लावण्या, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, मुझे उल्लू समझाया क्या? ये तुम्हारा और इम्मी का प्लान था ना? ये इम्मी भी ना, उसको मैं मजाक नहीं कर रही हूँ निखिल। कम ऑन लावण्या, ना स्टॉप इट यार। मैं सच कह रही हूँ निखिल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं यहाँ तुमसे डिवोर्स लेने आई हूँ, एंड आई मीन इट, डिवोर्स। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए निखिल, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। तो फिर ये सब, ये शादी? पापा की जान बचाने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहती थी। निखिल, निखिल, मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। आई स्वेयर, आई एम सॉरी निखिल, कुछ तो कहो, प्लीज से समथिंग। क्या बोलू मैं, क्या बोलू लावण्या? तुम चाहती हो कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, इस कमरे की चीजें फेंकूं, या फिर जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हारा गला घोटूं? बोलो लावण्या, क्या करूं तुम्हारे साथ, क्या करूं लावण्या? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया लावण्या? मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया तुमने। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? क्यों नहीं बताया? मैंने जानबूझ के ये गलती नहीं की निखिल। गलती? तुम ऐसे गलती कहती हो? इतना बड़ा झूठ तुम इसे गलती कहती हो लावण्या? I'm sorry, Nick. I'm really very sorry. Please forgive me. तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें डिवोर्स। अरे इसके लिए यहां पर आने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन कर दिया होता, मैं हार की जगह डिवोर्स पेपर्स भेज देता। ओह, आई एम सॉरी, सुबह तक वेट करना पड़ेगा हमें। आई एम रियली सॉरी। अब तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ, मैं घर जाता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर। चाबी इम्मी के पास ही रह गए, तुम्हें लेने के लिए आया था ना?
Anyway, good night. You take care, okay? Nikhil, इतनी रात गए कहाँ जाओगे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? Don't worry. रात गुजारने के लिए बहुत सारी जगह है. कहीं पर भी गुजार लूँगा. You go and sleep, हाँ? Sleep आराम से. Good night. Nikhil, हम दोनों दोस्त हैं ना? क्या दो दोस्त एक कमरे में नहीं रह सकते? तुम अंदर बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाती हूं. तुम अंदर सो जाओ, मैं ये सो जाऊंगा. गुड नाइट. लावण्या, चाय. थैंक्स. I'm sorry. पता नहीं रात को तुमसे क्या क्या कह गया. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं. छुटकारा चाहिए ना मुझसे, मिल जाएगा. निखिल, मैं तुमसे जो डिवोर्स के कायदे कानून मैं नहीं जानता. तुम एक लॉयर हो, अगर बता दोगी तो हेल्प हो जाएगी. सबसे पहले हमें एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी जो सिविल केसेस हैंडल करता हो. ठीक है, तुम तैयार हो जाओ. तब तक मैं येलो पेजेस में किसी सिविल लॉयर का नंबर ढूंढता हूँ. इस काम को आज ही निपटाना है. यस नो? अबे शादी के पहले कम से कम हेलो तो करता था, अब सिर्फ यस. गुड मॉर्निंग एमी. अबे गोली मार गुड मॉर्निंग को. सर भाग ले. अबे जा. हाँ एक बात बता, रात कैसी बीती? रात अच्छी थी यार. इस रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. आई न्यू इट. अच्छा एक बात बता, रात को सोया भी या? एमी रहने दे. अरे पूरी कमेंट्री में मिलने के बाद सुनूंगा. अच्छा सुन, मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि बैनर्जी आतरी शक्ल नहीं देखना चाहता. यू आर ऑन ऑफिशियल लीव. थैंक्स एमी, आज मैं वैसे भी ऑफिस नहीं आने वाला था, कुछ बहुत ही जरूरी काम निपटाने हैं. जरूरी काम? हम जानते हैं शादी के बाद क्या जरूरी काम होता है. बेटा लगे रहो. और हाँ, अगर टाइम मिले ना तो भाभी जान को हमारी तरफ से हाय हेलो कर देना. ओके बाय. तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं लॉयर का पता करके आता हूं. एक्सक्यूज मी. या एडवोकेट पांडे. बबलू. नमस्ते जी. एडवोकेट पांडे. हाँ आइए, अंदर आइए. पांडे जी, हम पांडे जी, पीएम पांडे एलएलबी. आइए 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 जी. हमें जी काम की बात बाद में, पहले ये बताइए आप क्या पीजिएगा, ठंडा या गर्म? देखिए उसकी कोई जरूरत नहीं है. जरूरत कैसे नहीं है? बबलू जा, दो ठो ठंडा लिया जा. आप मेरी बात तो सुनिए. बात सुनेंगे ना, बैठिए तो सही. आप बैठिए. अब बोलिए क्या सेवा करें हम आपकी.
जी हमें वो शादी करनी है करवा देंगे, डाइवोर्स चाहिए दिलवा देंगे। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, हम बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ शादी और डाइवोर्स दोनों में। चट शादी पट डाइवोर्स, बताइए आपको क्या चाहिए, शादी या डाइवोर्स? डिवोर्स। आजकल लोग शादी बाद में करते हैं, डाइवोर्स पहले लेते हैं। खैर बताइए किस वजह से डाइवोर्स चाहिए आपको? वजह देखिए अदालत में अलग होने के लिए वजह तो बताना पड़ेगा ना। बबुआ, ए बबुआ, वो ठंडा लाया कि नहीं? क्या ले ही आएगा? तो सर आपने बताया नहीं किस ग्राउंड पर डाइवोर्स चाहिए आपको। हम कोई वजह नहीं देना चाहते। मैडम बिना वजह के डाइवोर्स नहीं मिलता ना? मिलता है, म्यूचुअल कंसेंट से। अगर दो लोग आपसी समझौते से डिवोर्स लेना चाहें तो मैडम कानून की बात तो आप हम पर ही छोड़िए ना। कानून मैं भी समझती हूँ सर, मैंने लॉ की पढ़ाई की है। तब तो मैडम आप ये भी जानते होंगे कि अदालत कभी भी तलाक जैसी चीज को बढ़ावा नहीं देता। पिछले 25 साल से हम प्रैक्टिस करता हूँ और हम खूब जानता हूँ कि बिना किसी ठोस वजह के मजिस्ट्रेट कभी भी आपके डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करेगा। हाँ तो फिर क्या करें? एक दूसरे पर कीचड़ उछालिए। व्हाट? हाँ अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने ये साबित करना होगा कि बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। लेकिन हमारे बीच तो झगड़ा नहीं है तो करवा देंगे। अरे हम आपको बताता हूँ कि मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या बोलना है। लेकिन हमारी फीस है। जितनी भी होगी आपको मिल जाएगी, आप रास्ता बताइए। सर गारंटीड डाइवोर्स के 3-4 सॉलिड ग्राउंड होते हैं और सबसे आसान है एडल्ट्री। अगर आप चाहें तो एक दूसरे पर किसी और से नाजायज रिश्ता होने का इल्जाम लगा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना कहना है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। अगर ये चाहें तो मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे सकती हैं। तो ठीक है फिर आप इन पर इल्जाम लगाइए कि रोज आपको मारते पीटते हैं। क्या? वैसे इनको देख के लगता तो नहीं है लेकिन मेकअप आर्टिस्ट है, सब ठीक हो जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट मतलब? अरे मैडम ये मुंबई है, फिल्म इंडस्ट्री का बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट लाऊंगा। आपके बदन पर ऐसे मारपीट के निशान कर देगा ना कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ व्हाट नॉनसेंस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करवाऊंगी। अच्छा आप लोगों की शादी को कितने दिन हो गए? 15 दिन। अच्छा लेकिन ये मुंबई में कल ही आई है। कल ही आई है मतलब आप दोनों में पति पत्नी का संबंध समझ रहे हैं ना आप? सॉरी नहीं नहीं उस शादी के बाद। गुड। अरे अब तो काम और भी आसान हो गया। मैडम आपको सिर्फ इतना कहना होगा कि आपके पति नामर्द है, ही इज इंपोर्टेंट, बस। व्हाट? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। अरे आपके कहने से ये इम्पोर्टेंट या नामवर थोड़ी हो जाएंगे। अरे सिर्फ तलाक तुरंत मिल जाएगा भाई। मैंने आपसे कहा ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। मैडम अगर आपको एक दूसरे की इज्जत का इतना ही ख्याल है तो फिर डाइवोर्स क्यों लेते हैं? मेरे ख्याल से आपको वकील की नहीं किसी काउंसलर की जरूरत है। हाँ थैंक्स फॉर योर एडवाइस लेकिन फिलहाल आप डिवोर्स के पेपर्स फाइल कर दीजिए प्लीज। मगर बिना किसी ग्राउंड के मैजिस्ट्रेट तो आपका केस ही हूं। आपको आपकी फीस मिल जाएगी, आप बस हमारा केस फाइल कर दीजिए। ठीक है जैसे आप चाहें, आप बाहर जाकर डिटेल्स लिखवा दीजिए और फॉर्म भर दीजिए, तारीख मिलते ही आपको खबर की जाएगी। बबलू फॉर्म निकाल बेटा। फॉर्म निकाल फॉर्म। वैसे हियरिंग की डेट कब तक मिलेगी? यही कोई 1.5-2 महीने के बाद। 2 महीने? डाइवोर्स के लिए बहुत लंबी लाइन होती है ना मैडम। देखिए इससे जल्दी नहीं हो सकता, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे लगे तो आप फिक्र मत कीजिए। कोशिश करके देखूंगा, आप अपना नंबर दीजिए हम फुनवा घुमा देंगे। ये सब पैसे कमाने के तरीके होते हैं, केस को डिफिकल्ट बना दो और ज्यादा पैसे झटक लो। उसका कहना भी ठीक है, डिवोर्स लेने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। लेकिन म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स मिल सकता है निखिल। किसी और वकील से बात करनी है क्या? उसका क्या फायदा है, वकील तो हमें सिर्फ डिवोर्स फाइल करने के लिए चाहिए। हाँ
वैसे भी मैजिस्ट्रेट से तुम खुद बात कर ही लोगी। टैक्सी। लावण्या, सीधे होटल जाओगी या चाहो तो घर भी आ सकती हो? सोचा था कि साथ मिलकर घर सजाएंगे। वो घर मेरा नहीं है निखिल। तुम्हारे होटल की बुकिंग मैंने बढ़ा दी है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। कोर्ट का काम खत्म होने तक तुम, पांडे का फोन आते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। बाय बाय। चलिए भाई। लावण्या के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। वो थी तो अब शादी करके इतनी दूर भेजते समय तो तुमने नहीं सोचा, अब पछताने से क्या फायदा। अरे भाई, शादी करके तो एक ना एक दिन हर लड़की को अपने घर जाना ही होता है। हाँ, लेकिन लड़की कहीं नजदीक भी तो जा सकती थी, कहने का मतलब घर के आसपास। मगर नजदीक की चीजें तुम्हें कहाँ दिखाई देती हैं? क्यों, कहाँ हो संध्या जी? अरे लीला, हाँ वाओ, कैसी हो? अच्छी हो। अरे लीला, कैसी हो? बहुत खुश नजर आ रही हो। नजर आने की क्या बात है, मैं खुश हूँ। मालूम है, निखिल के दोस्त इमरान का फोन आया था, उसने कहा कि लावण्या वहाँ ठीक ठाक पहुँच गई है और बहुत खुश है। ओह, निखिल के दोस्त का फोन आया था, मतलब शादी के बाद बेटे ने फोन करना भी मुनासिब नहीं समझा, क्यों? अरे भाई, नई नई शादी हुई है, अब वो थोड़ा वक्त अपनी बीवी के साथ भी गुजारेगा या सारा टाइम अपनी माँ के साथ ही चिपका रहेगा? और नहीं तो क्या। और वैसे भी लावण्या शादी के इतने दिनों बाद तो वहां पर गई है। अरे लीला, तुम्हें कुछ दिखाना है, जल्दी आओ। चल चल। गई तो है, अब देखो टिकती कितने दिन है। हेलो। हेलो निखिल, मैं मंदिरा बोल रही हूँ। हाँ हाँ आंटी। लावण्या ठीक ठाक पहुँच गई? जी हाँ, पहुँच गई ठीक ठाक। तो पहुँचने के बाद उसने मुझे फोन नहीं किया, मैं परेशान हो रही थी। आप क्यों परेशान हो रही आंटी? लावण्या कोई बच्ची तो है नहीं, अपना ख्याल अच्छी तरह रखना जानती है वो। पता है, लेकिन फिर भी चिंता लगी रहती है, अकेली पड़ गई हूं ना। लावण्या तो आपको इतना मिस कर रही है कि वो दिल्ली वापस आना चाहती है। पगली कहीं की, इतना थोड़ी मिस करते हैं। उसे फोन दो, मैं उसे समझाती हूँ।